हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामास्वामी। होंडा ने फाइनली एक्टिवा 110 में भी आपको स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह है ऑल न्यू 2023 होंडा एक्टिवा 110 स्पेशल एडिशन। आज के इस वीडियो में आपको एक्टिवा 110 स्पेशल एडिशन में मिलने वाली फीचर्स, 2023 में इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें टोटल कितने वेरियंट्स आते हैं, कितने कलर ऑप्शन है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्कूटर के कुछ इनोवेटिव व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एक्टिवा स्पेशल एडिशन के वेरिएंट्स की, देखो उसमें टोटल दो वेरिएंट्स आते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं डिलक्स वाला वेरिएंट है, इसके अलावा आपको एच स्मार्ट वेरिएंट आता है। अगर बात करें इसके कलर ऑप्शन की, स्पेशल एडिशन में टोटल दो कलर ऑप्शन आते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं पर्ल साइलेंट ब्लू है, इसके अलावा आपको मैट ब्लैक मेटालिक आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट से स्कूटर कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो, काफी अच्छा दिया गया है लुक। इसमें जो आपको नया ग्राफिक्स दिया गया है ना, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मतलब ये देखो आपको साइड में जो ये फेक कार्बन टेक्सचर टाइप का ग्राफिक्स दिया गया है ब्लू कलर में, देखने में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बाकी देखो आपको स्पेशल एडिशन यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह दिया गया है। सेंटर में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि आपको स्टिकर में है। बाकी अगर बात करें हेडलाइट की, देखो डीसी हेडलाइट का सेटअप मिलता है। बात करें टर्न इंडिकेटर की, आपको हैलोजन के दिए गए। हल्का सा आपको एक क्रोम का टच दिया गया है, यहाँ पे आपको क्रोम का टच दिया गया है, जिसकी वजह से इसका लुक काफी प्रीमियम हो जाता है। अगर बात करें फ्रंट फेडर मडगार्ड की, देखो ये आपको मेटल का आता है, काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी का आता है। देखो होंडा में बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी आती है। बाकी इसमें फिट एंड फिनिशिंग भी काफी अच्छा दिया गया है, और ये जो कलर है ना, देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये कलर के साथ जो ग्राफिक का मैच दिया गया है ना, देखने में मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, देखो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, देखो इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ आपको डिस्क का कोई ऑप्शन नहीं है, 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, देखो आपको सीएट का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 90x90 12 इंच आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। अगर बात करें अलॉय की, पूरा ब्लैकआउट दिया गया, यहाँ आपको एक रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है। चलिए तो इसकी राइट के प्रोफाइल को अगर बात करें राइट से, तो राइट से स्कूटर कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका राइट का लुक देखो, देखने में आपको काफी अच्छा दिया गया है। आप नॉर्मल एक्टिवा से कंपेयर करोगे ना, इसमें को क्या चेंज किया गया है, देखो उसका ग्राफिक्स में चेंज किया गया, काफी स्टाइलिश ग्राफिक्स दिया गया। अगर आप यहाँ देखोगे पीछे, तो देखो रियर में आपको कितना अच्छा ग्राफिक्स दिया गया। ये जो यहाँ पे ग्राफिक्स दिया गया ना, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। बाकी जो आउटलाइन टाइप बनाया गया ना आपको ग्रे कलर में, ये भी काफी अट्रैक्टिव हो जा रहा है। यहाँ एक्टिवा आपको ये 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये क्रोम का पार्ट यूज किया गया, तो इसके ये इसका काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। बाकी अगर बात करें एग्जॉस्ट की, देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट पर ब्लैकआउट दिया गया है, इसके ऊपर आपको मफलर गार्ड भी लगाया गया है। अगर बात करें रियर सेक्शन की, देखो रियर में भी आपको सीएट का ट्यूबलेट टायर मिलता है, पर यहाँ पे 90x100 आपको 10 इंच का ट्यूबलेट टायर मिलता है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। अगर बात करें रियर सस्पेंशन की, देखो रियर में भी आपको यूनिट स्प्रिंग मिलता है, 3 स्टेप में एडजस्टेबल भी है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर बात करें फुटरेस्ट की, देखो फुटरेस्ट की बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। मतलब इसका जब आप टच करोगे ना, तो काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर बात करें लेग स्पेस की, देखो लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, ये पूरा ब्लैक आउट दिया गया है डैशबोर्ड। ये जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है ना, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये जो गार्ड वगैरह है, आपको एक्सेसरीज का पार्ट है, आप चाहो तो लगवा सकते हो। अगर बात करें की, देखो आपको की इसमें नॉर्मल सा मिलता है, इसमें एक और एच स्मार्ट वेरिएंट आता है, अगर आपने वो ले लिया तो ये कीलेस स्कूटर हो जाता है, आपको पता ही है। अगर बात करें सीट की, देखो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और एक्टिवा में को सीट काफ़ी लंबा दिया जाता है। बाकी आगे से ये नैरो भी कर दिया जाता है, तो लेडीज़ वगैरह भी चलाती है ना, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अगर बात करें ग्रैबल की, देखो ग्रैबल यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिया गया, ये काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है, सिंगल सा आपको ग्रैबल दिया गया। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो गार्ड है एक्सेसरी का पार्ट है, देखो इसमें जो फ्यूल फिलिंग है ना, आपको एक्सटर्नल दिया जाता है। इसको ओपन करने के लिए आपको कैसे करना है, यहीं से ओपन करना है, जैसे ये की ऑन है, ऐसा फ्यूल का दबाओगे ना, ये देखो ये पीछे ओपन हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। जो आपको एक्सटर्नल दिया जाता है, मतलब आप जब लाइन वगैरह लगते हो ना पेट्रोल पंप पे, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी यहाँ से आप इसको पुश करके इसको बंद कर सकते हो। और देखो आपको यहाँ पे E20 का स्टिकर लगाया गया है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया इसमें आपको एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो आने वाला है ना, वो आप यहाँ रखवा सकते हो। मतलब इसमें आपको B6 फेज टू वाला अपडेट दिया गया है, E20 कंप्लाइंस इंजन दिया जा रहा है। बात करें इंजन की, देखो आपको 109.51 cc का 4-stroke एयर कूल्ड B6 फेज टू OBD2 E20 वाला FI इंजन दिया जाता है। देखो इस इंजन में आपको चेंज नहीं किया गया है, आपको एक्टिवा 110 में जो इंजन आता है ना, वही इंजन आपको स्पेशल एडिशन में भी लगाया गया है। मेन जो चेंज किया गया है ना, BS6 फेज टू का अपडेट दिया गया है। ऑलरेडी मैं आपको बताया E20 वाला जो इंजन दिया जाता है ना, उसको BS6 फेज टू भी बोलते हैं।
BS7 भी बोलते हैं, बहुत लोग BS7 बोलते हैं, BS6 फेज 2 बोलते हैं, तो कुछ भी बोलो मेन अपडेट वही है। अगर बात करें इंजन डायमेंशन की, देखो इंजन डायमेंशन में सेम है, कुछ चेंज नहीं किया गया। बोर्ड 47 mm का मिल जाता है, स्ट्रोक 63.1 mm का मिल जाता है। अगर बात करें पावर की, देखो एक्टिवा में पावर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 7.74 HP का मिल जाता है आपको। मैक्सिमम पावर 8000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क 8.90 Nm का मिल जाता है 5500 RPM पे। टॉर्क और पावर ऑलरेडी एक्टिवा में काफ़ी अच्छा है, एक बार आप टेस्ट ड्राइव लेके देखो ना, फिर आपको पता चल जाएगा। बाकी इसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, माइलेज में आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। बात करें रियर सेक्शन की, देखो रियर से स्कूटर कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका रियर का लुक देखो, यहाँ आपको ये टेल लाइट दिया गया है, आपको यहाँ पे ये हैलोजन का टेल लाइट दिया जाता है, टर्न इंडिकेटर भी आपको हैलोजन के दिया जाता है, नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेंटर में एक रिफ्लेक्टर भी लगाया गया, ये आपको एक्सेसरीज पे आपको एक्टिवा लिखा हुआ है, मतलब होंडा का ये मतलब ओरिजिनल एक्सेसरीज है, आप चाहो तो लगवा सकते हो। इसका अलग से एक चार्ज भी होता है, आपको मैं चार्ज आगे बता दूंगा, प्राइस बता दूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका रियर का लुक आपको कैसा लगता है। चलिए देखते हैं इसके लेफ्ट के प्रोफाइल को। अगर बात करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से स्कूटर कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका लेफ्ट का लुक देखो, आपको राइट के जरिए पूरा ग्राफिक्स दिया गया है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक्टिवा में ये जो आपको नॉर्मल प्लेन दिया जाता है, लेकिन स्पेशल एडिशन में आपको ग्राफिक्स दिया गया है। अब स्पेशल एडिशन कैसे है, सबसे पहले ये ग्राफिक्स है, अगला चीज़ यहाँ पे आपको स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, तो ये कुछ अलग बनाता है एक्टिवा नॉर्मल एक्टिवा से। बाकी ये पूरा यहाँ पे बॉडी आपको मैंने बताया, ये पर्ल एंड ब्लू कलर दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। हल्का से ये यहाँ पे जो एक्टिवा लिखा हुआ है ना, ये क्रोम का पार्ट दिया गया है, तो इसका काफ़ी प्रीमियम लुक आ रहा है। बाकी देखो लेडीज़ यहाँ फुटेज भी मिल जाता है आपको। अगला चीज़ देखो, इसमें को किक मिलता है। देखो आजकल जो भी अपडेट आता है ना, जनरली आप स्मार्ट में देखते होगे, वहाँ से किक को हटा दिया जा रहा है, लेकिन एक्टिवा स्पेशल एडिशन डिलक्स में अभी भी आपको किक मिल रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किक आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये जो लेग स्पेस है काफ़ी बड़ा दिया जाता है एक्टिवा में, तो काफ़ी बड़ा दिया जाता है लेग स्पेस, आराम से आप कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हो। देखो सामान रखने के लिए आपको यहाँ पे एक हुक भी लगाया जाता है। बाकी देखो बहुत लोग पूछते हैं कि सिलेंडर रख सकते हो कि नहीं, देखो एक्टिवा में बहुत स्पेस दिया जाता है, तो आराम से आप इसमें सिलेंडर वगैरह भी रख सकते हो। अगर बात करें स्टैंड की, देखो मेन स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड दिया जाता है, साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर भी है, तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है, मतलब चलते में आपका स्टैंड लग जाता है तो स्टार्ट नहीं होगा, या लगा रहा है तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो एक सेफ्टी फीचर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये मतलब फील किया है कि नहीं, मतलब स्टैंड लगा हुआ कभी हुआ है कि नहीं आपके चलते में स्टैंड लग जाए और ये बंद हो जाए, ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपके साथ हुआ है तो। बात करते हैं स्कूटर के कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसके ओवरऑल लेंथ की, तो ओवरऑल लेंथ 1833 mm का मिल जाता है। ओवरऑल लेंथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 697 mm का ओवरऑल विड्थ है। ओवरऑल हाइट भी काफ़ी अच्छा है, 1156 mm का ओवरऑल हाइट है। व्हील बेस 1260 mm का दिया जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। सीट लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, 692 mm का सीट लेंथ दिया जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया सीट काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से आप दोस्त आराम तो बैठ ही सकते हो, फैमिली वगैरह बैठाना चाहे तो बीच में आप किसी अपने बच्चे वगैरह पर बैठा सकते हो, मतलब तीन तो बैठा ही सकते हो, बट मैं तीन प्रीफर नहीं करूँगा, आप दो ही बैठना लीगल नहीं होता। बाकी लेडीज वगैरह बैठा चलाती है ना, तो सीट लेंथ भी मतलब सीट हाइट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो लेडीज वगैरह के पैर भी आराम से ग्राउंड को टच कर जाता है। अगर बात करें सीट अंडर स्टोरेज की, वो भी काफ़ी बड़ा दिया जाता है। इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे करोगे ये सीट ओपन हो जाएगा। देखो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, आराम से अपने हेलमेट रख सकते हो, साथ में कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हो। बाकी देखो आपको टूल बॉक्स यहाँ पे दिया गया, टूल वगैरह किट दिया गया। बाकी इसको बंद करते हैं, बंद करने के लिए हल्का से इसको पुश करना है और बंद हो जाएगा। अगर बात करें मीटर कंसोल की, देखो आपको एनालॉग मीटर कंसोल दिया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देखो इसमें आपको डिजिटल देने जाएंगे ना तो पैसा बढ़ जाएगा, आपको पता है एक्टिवा काफ़ी बजट सेगमेंट स्कूटर है, इसका बजट काफ़ी कम रहता है, बहुत बेस्ट सेलिंग स्कूटर है ये, मतलब होंडा का बेस्ट सेलिंग स्कूटर है। बाकी देखो आपको ये स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ आपको फ्यूल गैस मीटर मिल जाता है, यहाँ आपको इंजन मालफंक्शन का लाइट मिल जाता है, यहाँ हेडलाइट का लाइट मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर का इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी देखो यहाँ आपको इंटीग्रेटेड ये पार्च लाइट का बटन मिल जाता है, यहाँ पे अपर बीम लोअर बीम के साथ टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, एक हॉर्न का स्विच मिल जाता है, अभी मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा, बैटरी कनेक्शन नहीं है। बाकी देखो आपको यहाँ पे ये इंजन किल स्विच के साथ इंटीग्रेटेड यहाँ पे इग्निशन का स्विच मिल जाता है। अगर बात करें मिरर की, देखो मिरर वहीं आपको एक्टिवा वाला ही है, इसमें आपको ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। ऑलरेडी मैंने जो बताया इसमें आपको जो मेन अपडेट आया है ना, जैसे कि BS6 फेज 2 का तो अपडेट आ ही गया था, मेन जो अपडेट आया इसके ग्राफिक्स में आया है, ग्राफिक्स में हल्का सा अपडेट आया है, हल्का सा जो स्टाइलिश बना दिया गया ना, यही मेन अपडेट आया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एक्टिवा का ये जो लुक है आपको कैसा लग रहा है। अब मेन बात करते हैं इसकी माइलेज की। देखो एक्टिवा को माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है, 55 से 60 km का माइलेज तो आपको आराम से मिल जाता है। ये जो माइलेज है ना, काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपका रोड का कंडीशन क्या है, आपका स्पीड क्या है, लेकिन स्कूटर को आपने इकोनॉमी स्पीड में चला लिया तो 55 से 60 km का माइलेज तो आराम से मिल जाता है।
बाकी जिनके पास स्कूटर है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको माइलेज कितना मिलता है। अब मेन बात करते हैं इसकी प्राइस की। जैसा कि मैंने आपको बताया एक्टिवा 110 में स्पेशल एडिशन को दो वेरियंट्स आते हैं, डिलक्स और एच स्मार्ट। ये जो सामने आप देख रहे हैं डिलक्स का वेरियंट है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका ऑन रोड प्राइस पुणे में 1,02,461 के अराउंड आता है। बाकी आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहूंगा ओम व्हील्स होंडा तलेगांव का, जिन्होंने स्कूटर मुझे प्रोवाइड किया रिव्यू करने के लिए। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैप लोकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मेरे दोस्त पुणे से बिलोंग करते हैं, स्कूटर को लेना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या शोरूम विजिट करते हैं। देखो शोरूम में आपको काफी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो अगर अभी आप विजिट करते हैं तो आपको काफी अच्छा ऑफर मिल जाएंगे। बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सकते हैं, पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा है आप वहां मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे जरूर प्लीज लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।